नमस्कार दोस्तों, समृद्ध क्रिएशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वेलवेट वूलन के लेडीज हैंड पर्स लेकर आई हूँ। आइए दोस्तों, देखते हैं इसे कैसे बनाना है। ये देखिए, हमने इस तरह का वेलवेट ऊन ले रखा है और इसे हम फंदे डालेंगे। जितना हम बड़ा हमें पर्स बनाना है उतना फंदा डालेंगे। तो हमें लेडीज पर्स बनाना है तो उसके लिए हमें पर्स के साइज के अनुसार फंदे डालने हैं। तो हम कुल इसमें 25 फंदे डालेंगे। तो देखिए, एक फंदे हमने डाल दिया, ये 2 3 4 5 छः सात आठ नौ ये 10 11 12 13 14 15 16 17। ये फंदे बहुत टाइट नहीं डालना है। 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। ये 25 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ हल्की सी गांठ लगा देंगे इस तरह से। ये ऊन मोटा होने के कारण हमने इसमें 7 नंबर का सलाई लगाया है बुनाई के लिए। दोस्तों, इसे हमें सिर्फ एक सिलाई उल्टा और एक सिलाई सीधा बुनाई करना है और सिंपल बुनाई करना है। देखिए, हमने ये हम की ये देखिए धागा सामने करके हम उल्टा बुन रहे हैं। एक सिलाई हम उल्टा बुनेंगे और एक सिलाई सीधा बुनेंगे। इसी तरह हम पूरी बुनाई करेंगे और जितना हमें बड़ा पर्स बनाना है उसी के अनुसार फंदे डालना है और लंबाई में बुनाई करना है हमें। तो पर्स के लंबाई चौड़ाई के अनुसार ही हमें बुनाई करना है। इसमें बुनाई ज़्यादा टाइट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं करना है। ये जो हमने 7 नंबर के इसमें सलाई लगा रखा है तो एकदम परफेक्ट है ये इस ऊन से बुनाई करने के लिए। इससे ना तो बहुत ज़्यादा टाइट बुनाई होगा और ना ही ढीला बुनाई होगा, इसलिए हमने 7 नंबर का सलाई इसमें लगाया है। इसी तरह दोस्तों, हमने पूरी बुनाई कर ली है। अब देखिए, अब हम सीधा बुनेंगे। ये धागा पीछे है, हमने पहली सिलाई उल्टा बुना और दूसरी सिलाई सीधा बुना। इसी तरह से हम एक सिलाई उल्टा एक सिलाई सीधा बुनाई करेंगे और उतनी लंबाई रखेंगे जितना कि हमें एक हैंड पर्स के लिए चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से हम पूरी बुनाई करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने एक पर्स की साइज का लंबाई बना लिया है और अब हम इसे इस तरह से डबल करेंगे। ये एक पर्स की साइज का बन गया है। अब हम इसे घटाएंगे। जितनी सलाइयाँ हम बुनेंगे उतनी सलाई में एक एक फंदे दोनों तरफ से घटते जाएंगे। देखिए, जैसे ये 2 फंदे हैं, हम इसे यहाँ घटाएंगे 2 फंदे का, एक फंदा करेंगे। देखिए, एक फंदा ये और एक फंदा ये है। दोनों फंदों को हम इस तरह से घटा दिए और फिर हम
बुनाई करेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और ये वेलवेट ऊन मोटा होने के कारण बुनाई भी जल्दी होती है। ये पर्स कंप्लीट होने के बाद बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सुंदर दिखता है। इसे आप लोग जरूर बनाएं। बहुत ही आसान इसे बनाना है। इसमें बस एक सलाई उल्टा और एक सलाई सीधा बुनना है। देखिए, हमने इधर जब स्टार्ट किया था बुनना तो यहाँ एक फंदा हमने घटाया था। अब हम दूसरी साइड हम बुनाई स्टार्ट करेंगे तो यहाँ फिर से दो फंदे घटाएंगे। देखिए, एक और ये दो, दो फंदों को हम फिर से घटाएंगे। हम जितनी बार सलाइयाँ बदलेंगे बुनाई करने के लिए, उतनी बार हम दोनों साइड से एक एक फंदा घटाएंगे। तो एक साइड से देखिए हमने अभी घटाया है और एक साइड से इधर से हमने पहले घटाया है। और बुनाई उसी तरह करेंगे, एक सलाई उल्टा और एक सलाई। ये दोस्तों, ये इस तरह का तिकोना आकार का ये बनेगा, मैं आपको दिखा दूं। देखिए, ये एक पर्स हमने पहले से बना रखा है तो हम इस तरह का तिकोना बनाएंगे इसमें। और दोनों साइड से एक एक फंदे हम घटाते जाएंगे तो ये तिकोना बन जाएगा। देखिए दोस्तों, ये पर्स के ऊपर का ये जो तिकोना कवर है, ये देखिए ये बनता जा रहा है। ये देखिए, ये तिकोना ये बनता जा रहा है और हम इसे हर सिलाई में दो दो फंदे घटाते जाएंगे इस तरह से। और जब 10 फंदे बचेंगे तो हम बुनाई दो सिलाई और करेंगे। लास्ट में जब 10 फंदे बचेंगे तो दो सिलाई बुनाई करने के बाद हम बुनाई करना बंद कर देंगे। और जब तक 10 फंदे नहीं बचते हैं तब तक हम बुनाई करते जाएंगे और दोनों तरफ से फंदे, एक एक फंदे घटाते जाएंगे। देखिए, अभी हमने इधर से एक फंदा घटाया, अब हम इधर इस साइड से जब हम सलाई बदलेंगे तो एक फंदा फिर घट, दो फंदे को एक फंदा करके फिर घटाएंगे। ये दो फंदे हैं, ये दो फंदे हैं, और बुनाई उसी तरह रहेगा, एक सलाई उल्टा और एक सलाई सीधा बुनेंगे। देखिए दोस्तों, इसे हमने दोनों साइड से फंदे घटा दिए हैं और ये बीच में 10 फंदे बचे हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, इस तरह 10 फंदे बचे हैं। अभी हम दो सलाई और बुनेंगे। अब घटाना हम बंद कर दिए, हम इसे सिंपल, देखिए हमने घटाया नहीं, यहाँ एक फंदा हमने लिया है और अब हम इसे दो सलाई बुनेंगे बिना घटाए, बुनाई करेंगे हम। देखिए, एक सलाई हो गया कंप्लीट, अब हम दूसरी सलाई बुनेंगे। देखिए, हमने घटाया नहीं, यहाँ भी बिना घटाए हम दो सिलाई 10 फंदों को बुनेंगे।
देखिए हमने दो सिलाई बुन ली है 10 फंदों को, और हम इसे बंद कर देंगे इन फंदों को, और अब हम दोनों फंदों को एक करते चले जाएंगे और ये फंदे बंद होते जाएंगे। देखिए दो फंदे को हमने एक किया और इस फंदे को हम फिर से इस पर चढ़ाएंगे। ये देखिए ये हमने चढ़ाया और फिर दो फंदों को हमने, ये देखिए ये दो फंदे हैं, दो फंदों को हमने एक कर दिया और फिर इस सिलाई पर चढ़ा करके, और फिर हम दो फंदों को एक इसी तरह से हम घटाते जाएंगे और फंदे बंद होते जाएंगे। देखिए दोस्तों ये सारे फंदे बंद हो गए। अब हम यहाँ सिलाई करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से यहाँ तक अब हम सिलाई करेंगे इस तरह से डबल करके। देखिए दोस्तों यदि आप अस्तर लगाना चाहते हैं इसमें तो इस तरह का, देखिए हमने ब्लैक कलर का कपड़ा ले रखा है, तो इस तरह से आप कपड़े पर इसे पहले भी सेट कर लीजिए और उसके बाद इस तरह से आप निशान लगा लीजिए कपड़े के साइज का। इस तरह से निशान लगा करके आप कटिंग कर लीजिए कपड़े पर और इसमें अस्तर लगा सकते हैं। और बुनाई वैसे इसकी इतनी टाइट है कि इसमें अस्तर लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आप लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से, जैसा हमने बताया, इस तरह से आप निशान लगा करके साइज का काट करके और अस्तर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको सिलना सिखाएंगे कि इसे कैसे सिलना है। सिलना भी बहुत आसान है इसका, मैं आपको सिलना बताऊंगी। देखिए इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया है, जहाँ से हमने घटाना शुरू किया है वहाँ से हमने सिलाई शुरू करना है। देखिए इस तरह से हम सिलाई करेंगे। दोस्तों हमने अस्तर नहीं लगाया है क्योंकि इसकी सिलाई सॉरी इसकी जो बुनाई है वो काफी घना बुनाई है, इसलिए हमने इसमें अस्तर नहीं लगाया। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप अस्तर लगा सकते हैं। इस तरह से आप उल्टी बखिया इस करके इसमें मजबूत सिलाई कर सकते हैं। देखिए ये धागा, यहाँ धागा पीछे से हम इस तरह से सिलाई करेंगे तो मजबूत होता है इसकी सिलाई, इसे उल्टी बखिया कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों हम दोनों साइड की सिलाई करेंगे, इधर साइड की और इधर साइड की, दोनों साइड की हम सिलाई इसी तरह करेंगे। ये हमारी दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम ऊपर इसकी डेकोरेशन करेंगे। पहले हम इसे सीधा करेंगे। देखिए हमने सीधा कर लिया। अब हम इसमें इस तरह से, जैसे हमने ये गोटे लगाए हुए हैं इस तरह से हम इसमें भी गोटे लगाएंगे।
देखिए हमने गोल्डन कलर का गोटा लिया हुआ है लगाने के लिए। इसको हम इस तरह से गोटे लगाएंगे। देखिए गोटे को हम थोड़ा सा पीछे साइड से लगाएंगे इस तरह से, ताकि ये सामने साइड से दिखे ना। और लगाएंगे तो हम इस जो छोर है ये, इसे हम इस तरह से अंदर के साइड का मोड़ कर लगाएंगे, ताकि ये खुलने ना पाए। इस गोटे पर यदि आप मशीन से सिलाई करना चाहते हैं तो आप मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं, मजबूती के लिए मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हम हाथ से हम बता रहे हैं आपको। कि अब ये जो मोड़ है यहाँ पर, इस तरह से हम इसे हल्का सा यहाँ ढीला रखेंगे, ताकि यहाँ सिकुड़न ना आने पाए। तो इसके लिए हम हल्का सा यहाँ ढीला रखेंगे। जिस तरह हमने यहाँ मोड़ा है उसी तरह हम यहाँ भी मोड़ेंगे। अब हम इसे यहाँ पर इसे लगाएंगे।
अब हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर लगा देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये पर्स तैयार हो गया। देखिए दोस्तों, ये पर्स हमारा अब तैयार हो गया है। हमने इसमें चैन नहीं लगाया है। यदि आप लगाना चाहते हैं तो इसमें आप चैन लगा सकते हैं और यहाँ आप लॉक पट्टी लगा सकते हैं, जैसा कि हमने अपने इस पर्स पे लगाया हुआ है। देखिए, इसमें हमने ये लॉक पट्टी लगाया है और आप बटन भी लगा सकते हैं, तो बटन भी लगा सकते हैं और इस तरह से इसमें चैन लगा सकते हैं। और देखिए, ये हमने इसमें अस्तर लगाया हुआ है और हमने इसमें डबल पॉकेट बनाया है। ये देखिए, अंडरग्राउंड पॉकेट भी बनाया हुआ है। तो अगर आप बनाना चाहें तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा ये पर्स आपको पसंद आया हो तो आप हमारी चैनल समृद्धि क्रिएशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।